हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अर्क और आप देख रहे हो हाईटेक ब्रो। दोस्तों आज का वीडियो का बेस्ट वाइड ईयरफोन्स का बारे में अंडर ₹1000। एंड हर एक बार की तरह इन सभी ईयरफोन्स को हम लोग रैंकिंग करेंगे 5 से 1 तक। एंड लास्ट में ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्पेसिफिकली कौन सा ईयरफोन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। वीडियो को आगे पूरा एंजॉय कीजिए। सबसे पहले यानी कि 5th नंबर पे जो ईयरफोन है हम लोग का लिस्ट में, उसका नाम है सोनी MDR EX155 AP। इसमें आप लोगों को मिल जाता है 9mm का नियोडिमियम ड्राइवर्स, जिससे आप लोगों को बैलेंस साउंड आउटपुट मिल जाता है एंड बहुत ही अच्छा साउंड करता है ये। इसी के साथ इसमें आप लोगों को मिल जाता है इनलाइन माइक हैंड फ्री कॉलिंग के लिए। बाकी इन सभी के साथ इसमें आप लोगों को मिलते हैं अर्गोनॉमिक डिजाइन जो इसको लाइट वेट बनाता है, सो इसको आप लोग लॉन्ग सेशंस के लिए यूज कर सकते हो। एंड इसका जो जैक है वो एल शेप्ड में आता है एंड ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो सोनी MDR EX155 AP आप लोगों को 1050 के अंदर में मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। बाय द वे दोस्तों, जितना भी सारे ईयरफोन्स होगा हम लोग का लिस्ट में, उन सभी का बेस्ट बाइंग लिंक्स आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर इनमें से आप लोग कोई भी खरीदना है या इनके बारे में डिटेल्स में जानना है तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर हम लोग का लिंक से आप लोग खरीदते हो देन हम लोग का चैनल को थोड़ा सा मदद मिल जाता है ऐसे और भी वीडियोस आप लोग के लिए लाने के लिए। उसके बाद 4th नंबर पे जो ईयरफोन है हम लोग का लिस्ट में, उसका नाम है बोट बेसेड 242। इसमें लगा हुआ है 10mm का डायनेमिक ड्राइवर्स, जिसमें आप लोग को डिसेंट ऑडियो के साथ बहुत ही पावरफुल बेस मिल जाता है और इसमें आप लोग को ड्यूरेबल केबल भी मिल जाता है। उसके बाद ये वाले ईयरफोन में ईयर हुक्स भी है जो फिटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और ईयरफोन्स को गिरने से बचाता है। इसी के साथ ये आता है IPX4 का स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ भी। बाकी इन सभी के साथ इसमें आप लोग को मिल जाता है इनलाइन माइक एंड कंट्रोल्स, म्यूजिक कॉल एंड वॉइस असिस्टेंट को कंट्रोल करने के लिए। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो बोट बेसेस 242 अभी आप लोग को ₹600 के अंदर में मिल जाएगा। इसका भी बेस्ट बाइंग लिस्ट नीचे प्रोवाइडेड रहेगा। उसके बाद 3rd नंबर पे जो ईयरफोन है हम लोग का लिस्ट में, उसका नाम है MI डुअल ड्राइवर्स। नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें डुअल ड्राइवर्स प्रेजेंट है, एक 10 और एक 8mm का, जिससे आप लोग को बहुत ही क्रिस्प साउंड मिल जाता है। बट इसका बेस कभी कभी ज्यादा लाउड फील होता है एंड इसमें भी आप लोग को टेंगल फ्री ब्रेडेड केबल मिल जाता है। उसके बाद इसमें भी इनलाइन कंट्रोल्स प्रेजेंट है कॉल्स म्यूजिक एंड वॉइस असिस्टेंट को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये मेटल बिल्ड के साथ आता है जो इसको ड्यूरेबल बनाता है एंड ये स्क्रैच प्रूफ भी है। बाकी इन सभी के साथ ये वाला ईयरफोन आता है मैग्नेटिक ईयरबड्स के साथ और इसी के साथ इसमें आप लोग को मिल जाता है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट और इसका जो जैक है वो एल शेप में आता है। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो MI डुअल ड्राइवर्स आप लोग को ₹800 के अंदर में मिल जाएगा। इसका भी बेस्ट बाइंग लिस्ट नीचे प्रोवाइडेड रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ईयरफोन है हम लोग का लिस्ट में, उसका नाम है JBL C200 SI। यह आता है एंगल डिजाइन के साथ जो आपका कानों में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है एंड इसमें आप लोग को मिलता है 9mm का ड्राइवर, जिससे आप लोग को JBL सिग्नेचर साउंड एंड बहुत ही पावरफुल बेस मिल जाता है। उसके बाद ये वाला ईयरफोन भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, सो आप लोग लंबा टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हो। और इसका जो 3.5mm वाला जैक है वो एक गोल्ड प्लेटेड स्ट्रेट जैक है। बाकी इन सभी के साथ इसमें आप लोग को मिल जाता है 1-बटन रिमोट कंट्रोल, जिससे आप लोग कॉल्स म्यूजिक एंड इवन वॉइस को भी कंट्रोल कर सकते हो। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो JBL C200 SI आप लोग को ₹800 के अंदर में मिल जाएगा। इसका भी बेस्ट बाइंग लिस्ट नीचे प्रोवाइडेड रहेगा। अभी फाइनली 1 पे जो ईयरफोन है हम लोग का लिस्ट में, उसका नाम है Realme Buds 2। इसमें लगा हुआ एक 11.2mm का बेस बूस्ट ड्राइवर, जिससे आप लोग को बहुत ही पावरफुल एंड एक्यूरेट बेस के साथ एक बैलेंस्ड ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। उसके बाद इसमें आप लोग को मिल जाता है ब्रेडेड केबल जो आता है टेंगल फ्री डिजाइन के साथ एंड ये चीज ये वाला ईयरफोन को ड्यूरेबल बना देता है। इसी के साथ इसमें भी आप लोग को इनलाइन रिमोट कंट्रोल्स मिल जाता है, जिससे आप लोग म्यूजिक कॉल्स एंड वॉइस असिस्टेंट को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इन सभी के साथ इसमें आप लोग को मिलता है बिल्ट इन मैग्नेट्स एंड केबल ऑर्गेनाइजर भी, तो इस ईयरफोन को आप लोग कहीं भी इजीली कैरी भी कर सकते हो। फाइनली अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो Realme Buds 2 आप लोग को बस ₹600 के अंदर में मिल जाता है। इसका भी बेस्ट बाइंग लिस्ट नीचे प्रोवाइडेड रहेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं कि कौन सा ईयरफोन के लिए आप लोग को जाना चाहिए। देखिए क्लियरली अभी भी 1000 के अंदर में सबसे तगड़ा ऑप्शन है Realme Buds 2। ये आप लोग को बस ₹600 में मिलता है और इस प्राइस पे इसका ऑडियो क्वालिटी या इसका बिल्ड क्वालिटी को मैच करना बहुत ही टफ है। इसमें आप लोग को वो सभी कुछ मिलता है जो एक अच्छा ईयरफोन में होना चाहिए और स्पेशली इस प्राइस में ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। डेफिनेटली आप लोग इसके साथ जा सकते हो। बट वहीं पर अगर आप लोग को ये वाला नहीं मिलता है, यानी कि अगर आउट ऑफ स्टॉक वगैरह रहता है, देन आप लोग JBL C200 SI के साथ भी जा सकते हो। ये थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर, बट इसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, स्पेशली कॉलिंग पर्पस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन है एंड अगर आप लोग बेस लवर हो तो भी आप लोग को ये पसंद आएगा। डेफिनेटली इसको भी आप लोग जरूर चेकआउट करना। बाकी ये पांचों ईयरफोन्स अपना अपना जगह पे बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इन सभी कुछ को कंसीडर करके हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी के टाइम में यही पांच ईयरफोन्स है बेस्ट ईयरफोन्स अंडर ₹1000 एंड इन सभी का बेस्ट बाइंग लिंक्स आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में।
तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही तक था। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, सो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। एंड अगर कोई इससे भी अच्छा ईयरफोन हम लोग से छूट गया हो देन वो भी आप लोग कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना। एंड अगर आपका बजट कम है देन बेस्ट वायर्ड ईयरफोन अंडर 500 का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, चाहो तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस दोस्तों आज का वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगला वीडियो में। टिल देन बाय बाय।